टेक्नोलॉजी का ये जमाना हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है लेकिन साथ ही कुछ नए चैलेंजेस भी ला रहा है आज हम बात करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इश्यूज और कैसे रोबोटिक्स मैकेनिक्स और ए इन्हें सॉल्व कर रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं आज हर फील्ड में मॉडर्नाइजेशन हो रही है लेकिन क्या हम इस मॉडर्नाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं बिल्कुल नहीं सबसे पहला प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज़ में ट्रैफिक का ओवरलोड मॉडर्न सिटीज डेवलप तो हो रही है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना फास्ट अपग्रेड नहीं हो रहा लेकिन ए बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी सिटीज को स्मार्ट और इफिशेंट बनाएंगी दूसरा इश्यू है फैक्ट्री ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स का लॉस मशीन्स ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर रही हैं लेकिन रोबोटिक्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्पीड तो बढ़ रही है और ह्यूमन वर्कर्स को नए स्किल सेट सीखने को मिल रहे हैं जैसे रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग मशीन मेंटेनेंस एट्सट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हेल्थ केयर एजुकेशन और इवन डेली लाइफ में रेवोल्यूशन ला रहा है ए आई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डॉक्टर्स को डिजीजेस एक्यूरेटली डिटेक्ट करने में मदद कर रहे हैं लाइक like और रोबोटिक्स से हम काफी मॉडर्न प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए जरूरी है इन टेक्नोलॉजी के एथिकल यूज को समझना टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब हम उसे स्मार्टली यूज करें आपको क्या लगता है एआई और रोबोटिक्स का फ्यूचर कैसा होगा अपना फीडबैक जरूर दें